हेलो जूही सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तन्मय खन्ना, भास्कर दे। हेलो, जल्दी से भाई सब लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए ताकि हम अभी का जो सेशन है उसे शुरू कर सकें। ठीक है, जल्दी से सब लोग लाइव आइए। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल पीपल। फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज पैसेज, पैसेज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसके बारे में रहेगी भाई? पैसेज के बारे में रहेगी। ठीक है, कि हाँ भाई पैसेज क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व करना होता है, कैसे इसके बारे में चीजों को सही करना होता है। ठीक है, पैसेज सॉल्व करना कोई बड़ा तीर मारना नहीं है। ठीक है, बट जितने करो उतने सही करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैसेज। ठीक है, वो सबसे जरूरी हिस्सा है पैसेज का। चलिए भाई शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का, और हमारा टॉपिक क्या है? पैसेज। ठीक है, चलिए मैं वन बाय वन आपके सामने स्लाइड्स लेके आऊंगी, आपको उस पैसेज को पढ़ के हमारा जो क्वेश्चन है उसका क्या देना है? जवाब देना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, यहां से एक कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी क्या है? दो तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जो पूरे के पूरे इस पैसेज का रट्टा लगाएंगे, ठीक है, इसे पढ़ेंगे, इसके रट्टे मारेंगे और फिर क्वेश्चन पे आएंगे और फिर उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे, पहले स्टूडेंट। दूसरे जो किसको पढ़ेंगे, जल्दी बताओ, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में से मेन थीम को पकड़ के और कहां पे जाएंगे वापस, जल्दी बताओ, पैसेज में। ठीक है, और वहां से उस क्वेश्चन का क्या लेके आ जाएंगे? आंसर लेके आ जाएंगे। ये बताओ तुम कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, पहले वाले या दूसरे वाले? जल्दी से बताओ मुझे, तुम पहले वाले टाइप के स्टूडेंट हो या दूसरे वाले टाइप के स्टूडेंट हो? अगर पहले वाले हो तो थोड़ा सा खतरा है, ठीक है, और अगर आप दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। द रीजन इज कि पैसेज को पढ़ के हमारा कोई भला नहीं होगा। ठीक है, रादर हमें क्या पढ़ना चाहिए भाई? क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। ठीक है, अक्षता अर्जुन कर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और क्या क्या होता है? राधे राधे, और खमागणी, और क्या होता है? सलाम वालेकुम। ठीक है, सत श्री अकाल ऑफ कोर्स। चलो जल्दी से अब आप इस पैसेज को सॉल्व करेंगे और आपको बता दूं, ज्ञानी पुरुषों महिलाओं जो भी हैं आप, ठीक है, यस पुरुष महिला, आपको ये जो पैसेज सॉल्व करना है बेटा, आपको गलती से भी पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको किसको पढ़ना है? क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ के जो पैसेज है उसके पास जाना है और क्वेश्चंस को क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ स्नेहा, जय माता दी। ठीक है, जय माता दी भाई। चलो जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, बी फास्ट, आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, जल्दी बी फास्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ठीक है, पहला ही जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्या लेके आ रहा है? ट्विस्ट लेके आ रहा है, पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी सॉल्व कीजिए भाई, मैं तो हमेशा पढ़ता था। देखो पैसेज पढ़ना कोई बुराई नहीं है, पढ़ लो, ठीक है, बट तब पढ़ो जब तुम्हें टाइम पास करना है। अगर पेपर में नंबर लाने हैं बेटा तो पैसेज को मत पढ़ो। ठीक है, सीधा किसको पढ़ो? क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ के कहां पे जाओ? पैसेज पे जाओ। ठीक है, बिकॉज दैट इज आउटपुट ओरिएंटेड, उससे रिजल्ट आएगा। पैसेज को पढ़ के ज्ञानी बाबा बनोगे। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से। ओके, जियो जी भर के। ओके, जियो जी भर के क्या टैगलाइन है आपकी भाई? बहुत बढ़िया। जो जो मैम को मानता है तो शेयर कर दो वीडियो भाइयों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम डिलाइटेड, आई एम शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है, यस, वेरी ट्रू। इतनी मेहनत कोई नहीं करता बच्चों के साथ, वो भी फ्री में, बिल्कुल सही। ठीक है, आपको फ्री में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, हम पढ़ रहे हैं पैसेज के बारे में, पैसे लगते हैं इसके और हमें फ्री में मिल रही हैं चीजें। सो डू लाइक द वीडियो। ठीक है, लाइक मैंने बोला ही हुआ है, लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, एक थम्स अप ही हमें भेजना होता है, और डिसलाइक करो, डिसलाइक कर देना अगर तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती या लग रहा है कि मैम खराब पढ़ा रही है, बेकार पढ़ा रही है। ठीक है, डिसलाइक कर देना, बट वो जस्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ ये हमारा रीजन है, दिस इज द रीजन।
पर्सनल खुन्नस निकाल ली है तो वो बात अलग है। और दूसरा, वीडियो को क्या करो, शेयर करो, सेल्फिश मत बनो, अपने 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 साथ में दूसरों का भी फायदा करो थोड़ा सा, ठीक है। सारे बेरोजगारों को नौकरी मिले तो अच्छा होगा ना बेटा, सबके हाथ पीले हो जाएंगे, सबकी शादी हो जाएगी। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो भाई, जल्दी, बी फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। विकास, इतनी बड़ी बात बोल दी भाई तुमने, तो मेरा रोना आ जाएगा मुझे। एसएसटी ट्यूब का मंदिर बनवाऊंगा मैं दिल्ली में, सीरियसली अच्छी टीम है। यस वी डू हैव, शेयर करोगे तभी सिलेक्शन लोगे, ऐसे नहीं बोला मैम ने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यस मोटिवेशन तो जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से मिल जाता है, ठीक है। मैं तो टीचर हूँ, ऑफ कोर्स मोटिवेशन अगर आप अपने आसपास ढूंढोगे ना, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, देर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल्स दैट कैन मोटिवेट यू। मेरे पास तीन आंसर आए हैं बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भगवान जाने। स्नेहा का आंसर आया है ए, भास्कर का आंसर आया है बी, निशांत का आंसर आया है डी, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई हमारी। अब हमें इस पैसेज को सॉल्व करना है, वन बाय वन इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे के सारे, ठीक है। ध्यान से समझना जरा। माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी रेवोल्यूशनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी इन द यूएसए, ठीक है। या तो ये बात सत्य है या फिर ये क्या है भाई, असत्य है, ठीक है। कि ऑथर के हिसाब से जो फैराडे हैं और हेनरी हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया भाई, रेवोल्यूशनाइज किया। रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है टू चेंज, ठीक है। रेवोल्यूशन, ठीक है, एक वर्ड होता है हमारे पास, क्या भाई, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो, चेंज। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, चेंज, ठीक है। चलिए गौरव कुमार का भी आंसर आ गया है सी। निशांत कह रहे हैं राम राम, राम राम बेटा, राम राम, जीते रहो, खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आरपी, गुड इवनिंग मैम, अ वेरी गुड गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। गौरव कुमार, डी डी एफ, ये क्या है, इनका आंसर है डी डी एफ, क्या करूं मैं इसका, डी डी एफ का क्या करूं भाई, डी डी एल जे बोलते तो समझ में आता। गौरव कुमार, ए, कब से हो रही है क्लास, इट्स हार्डली बीन 7 to 8 मिनट्स, 7 8 मिनट हुए हैं हमारी क्लास शुरू हुए, अभी शुरू हुई है क्लास। यस दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। ए जियो जी भर के ज्यादा हो गया। ये बच्चा कह रहा है तुम सबको तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कसम शेयर कर दो। रुलाएगा क्या, रहने दे बेटा। और फिर आगे ये भी कह रहा है वैलेंटाइन डे आ रहा है, सोच लो। चलिए प्रणाम बेटा, ठीक है, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जूम कर लो अपनी जो स्लाइड है उसे, बिकॉज मुझे ये क्लियर है, ठीक है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुमार सूरज कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। चलिए जल्दी से अब हम इसके दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। बीच में हमने थोड़ा सा कमेंट्स पे ध्यान दिया, बट एक बार फिर से हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। न्यूक्लियर पावर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी वर डिस्कवर्ड इन द 20th सेंचुरी। दोबारा सुनो, न्यूक्लियर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी वर डिस्कवर्ड इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। आपका जो पैराग्राफ है उसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है 20th सेंचुरी, ठीक है। इस स्टेटमेंट का रेफरेंस उसके आसपास होगा, मुझे इतना पता है। द एडवेंट ऑफ, एडवेंट का मीनिंग हमें नहीं पता, ठीक है, अभी कोई लेना देना भी नहीं है, आगे पूछेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर
was in a way comparable to the successful development and application of nuclear power in 20th century. ठीक है, 20th century में जो बात हो रही है वो न्यूक्लियर पावर की हो रही है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से समझते जाना जरा, एक बार ध्यान से समझते जाओ बेटा. ठीक है, तीसरा ऑप्शन पढ़ो. तो हमारे कमेंट्स पे अभी मैं ध्यान नहीं दे रही, बाद में दूंगी. द डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज नॉट एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. ठीक है, एक बात बताओ, क्या कभी भी कोई राइटर इतना हार्श हो सकता है वो ये बोले कि ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट नहीं थी? इज इट पॉसिबल? नहीं ना भाई, राइटर कभी भी बायस नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा. राइटर कभी भी बायस नहीं होते हैं, राइटर आर थॉटफुल पीपल. अगर वो थॉटफुल होते हैं तो वो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं, क्रिएटिव निकाल लेते हैं. इसका मतलब सी डेफिनेटली क्या है, गलत है. ठीक है, डी को पढ़ लो. द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्विवेलेंट टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द 20th सेंचुरी. एक बात बताओ, आपके पैसेज में क्या लिखा है बताना जरा, कंपेरेबल. क्या लिखा है भाई, कंपेरेबल. और इस डी में क्या लिखा है जल्दी से बताओ, इक्विवेलेंट. ध्यान से समझना जरा. ठीक है भाई, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूं. तुम लोग क्या करते हो ना, पैसेज में अपना दिमाग लगाते हो, दिमाग नहीं लगाना होता. ठीक है, जूम आप करो जूही सिंह अपने फोन में एक बार. ठीक है, जूम आप करने की कोशिश करो एक बार, वहां से अगर क्लियर हो जाए तो आपको. मेरे हिसाब से द इमेज इज वेरी क्लियर. अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार प्लीज लेट मी नो, बताना जरा मुझे. देखो, आपका जो पैसेज है ना वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, कंपेरेबल है. कंपेरेबल ठीक है किसके भाई, न्यूक्लियर एनर्जी के. ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपेरेबल है किसके भाई, न्यूक्लियर एनर्जी के. पहली बात. दूसरी बात, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल है किसके, न्यूक्लियर एनर्जी के. ये बताओ, ये दो एक जैसी बातें हैं या अलग अलग बातें हैं? अलग अलग बातें हैं. अगर अलग अलग बातें हैं तो इसका मतलब डी तो सही नहीं हो सकता भाई. बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? डी सही नहीं हो सकता. ठीक है, अब डी नहीं है, सी नहीं है, या तो ए होगा या बी होगा. ठीक है, ध्यान से पढ़ो जरा एक बार जल्दी से, या तो ए होगा या बी होगा भाई. ठीक है, अब जो ये ए है ना, इसको एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो. अगर ये सही हो गया तो सही है, अदरवाइज हम आंसर किसको मान लेंगे, अपने बी को मान लेंगे. ठीक है, चलो जल्दी से ए को पढ़ो भाई. ठीक है, ए में क्या लिखा हुआ है, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी रेवोल्यूशनाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी इन द यूएसए. ठीक है, ध्यान से देखो आपके पैसेज में कहां लिखा है, देखना जरा. This discovery was made simultaneously by Michael Faraday in England and Joseph Henry in the United States. ठीक है, zoom कर लो. ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो बेटा. ठीक है, वीडियो की वापस आ जाओ, बहुत समय उस पर लगा रहे हो तुम. वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो कृपया करके. ये तुम्हारी लव मैरिज अरेंज मैरिज भी मैं कराऊंगी, रुको तुम अभी. पढ़ना लिखना है नहीं, शादी करनी है बस. चलो जल्दी से आओ. फैराडे के पहले, फैराडे जी के पहले, ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ कोर्स रिस्पेक्टेबल, उनके पहले लिखा हुआ है दिस डिस्कवरी. कौन से डिस्कवरी बताना जरा जल्दी से. प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1831 ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैराडे जी थे और हेनरी जी थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जो फील्ड था उसमें काम किया था, उसकी डिस्कवरी में काम किया था. अगर उसकी डिस्कवरी में काम किया था और यहां पे लिखा हुआ है 1831, ठीक है, 1831 में अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, तो मुझे ये बता दो भाई, भाइयों या बहनों, आपके बी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कब डिस्कवर हुई, 20th सेंचुरी में. अगर इलेक्ट्रिसिटी 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुई तो वहां पे 1831 कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता. अपोजिट बातें हैं. अगर अपोजिट बातें हैं तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल. हमारा सही आंसर क्या होगा भाई, ए फॉर एप्पल. ठीक है, ध्यान से सॉल्व करते जाओ, समझते जाओ बातों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, पहली ही बॉल गुगली थी.
पहली ही जो बॉल थी ना हमारी, पहली ही जो हमारी बॉल थी वो गूगली थी, ठीक है। पहली ही बॉल गूगली आई थी हमारे पास, पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है। अब मैं तुम्हारे एक बार कमेंट पढ़ लेती हूँ, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके ये भी बता दो कि क्या ये क्वेश्चन हमें क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी से। ये सही बोला तुमने, जियो जी भर के क्लास कर लेते, नहीं तो मारेंगी मैडम। ये सही है, सत्यवचन है। इमेज क्लियर है? ओके फाइन, क्लियर है। ओके यस फाइन। ओके गौरव कुमार, मेरा फेस आपकी मदर से मैच होता है, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरा सही था, आरपी क्लियर, भास्कर क्लियर। बाकी बारात में आए हो, जल्दी से बताओ आंसर मुझे, सॉरी जल्दी से मुझे ये बताओ क्लियर है या नहीं है। आंसर तो मैंने बताया, तुम तो क्या ही, तुमसे तो बस उम्मीद रखना, दिल टूट जाता है मेरा बस। जल्दी से बताओ क्लियर है, यस और नो। दो बच्चों का क्लियर आया है, बाकी तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं ये भाई बहन। नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, अब सॉल्व हो जाना चाहिए ये, बिकॉज अभी अभी हमारे पहले स्टेटमेंट में इसका जिक्र हुआ है। माइकल फैराडे, ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, फैराडे लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दो लॉ दिए थे उन्होंने, आपका एक राइट हैंड थंब रूल भी था, वो भी तो फैराडे ही नहीं दिया था हमारा, ठीक है। एंड जोसेफ हैनरी डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियर पावर हो ही नहीं सकता, जनरेटर हो ही नहीं सकता, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ध्यान से समझना जरा, ध्यान से, ठीक है, दिमाग लगाना। मुझे एक बात बताओ, हमारे जो फैराडे जी हैं, ठीक है, फैराडे जी, उन्होंने क्या डायनामो डिस्कवर किया? डायनामो वर्ड कहाँ बैठा है बताना जरा, डायनामो जल्दी से देखो जरा, डायनामो कहाँ बैठा है? गौरव कुमार 99.9 क्लियर, पहले कह रहे हो 100% क्लियर। ओके क्लियर है सबको, आंसर भी आना शुरू हो गया है, ज्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं? डी, ठीक है। देखो एक बार है ना, ये डायनामो और जनरेटर को निपटा दो, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या कर देंगे, परेशान कर देंगे। फ्रॉम इट केम द जनरेटर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से क्या बना था? जनरेटर। बात समझ आ रही है? खोपड़ी में जानी चाहिए ये बात। इसका मतलब अगर मैं बात करूं जनरेटर, जनरेटर हमारे माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी की डिस्कवरी का एप्लीकेशन है। अगर हमसे पूछा जाता ना कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी डिस्कवरी, तो हमारा आंसर होता जनरेटर और डायनामो, ठीक है। बट हमसे एप्लीकेशन ना पूछी भाई, हमसे क्या पूछा है? डिस्कवर किया क्या, क्या डिस्कवर किया उन्होंने भाई? द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा सही जवाब इसी के साथ क्या है भाई? डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। अरविंद यादव हाय, हाय, हेलो। चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ो। गुंजन प्रिया बहुत लेट आंसर आया तुम्हारा, ए आ गई वो कैब, इसी से बच रहे थे भाई, आ गया धोखेबाज कहीं का आ गया। बट चिंता ना करो, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसका तो हम आंसर पता लगा के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, इसका तो आंसर हमें पता लगाना ही लगाना है, बिकॉज एक नंबर मिलेगा इसका आंसर पता लगाने का। एडवेंट का मीनिंग क्या है? देखो अगर तुम खोपड़ी का थोड़ा सा यूज करोगे ना, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। सी गुंजन प्रिया, ये शायद प्रीवियस स्टेटमेंट का आंसर है आपका, डी। मेहुल सोलंकी सी, आरपी इन्वेंशन, निशांत श्रीवास्तव इन्वेंशन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
इन्वेंशन। आप समझो ध्यान से, देखो द डैश ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज कंपेरेबल और इक्वल टू द डैश ऑफ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर के पहले एक वर्ड बैठा हुआ है, जल्दी से बताओ भाई क्या बैठा है, एप्लीकेशन। तो यहां भी हमारा हल्का फुल्का कैसा वर्ड हो सकता है, एप्लीकेशन जैसा, ठीक है। बट वहां पे एप्लीकेशन नहीं बैठा है, वहां पे क्या बैठा है भाई, एडवेंट बैठा है। क्या बैठा है, एडवेंट। अब दिमाग लगाना यहां पे, ठीक है। क्या अराइवल हो सकता है कि अराइवल एप्लीकेशन का मीनिंग कन्वे कर दे, नहीं होगा। कौन गया, बी गया, ठीक है। क्या संविधान की बात हो रही, भगाओ इसे, कौन गया, डी गया। अब बचा ए या फिर सी, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, सोचो समझो, और खोपड़ी को थोड़ा सा जो उसकी जो बत्तियां बुझी हुई हैं उन्हें क्या करो, जलाओ, ठीक है। देखो ये इंडिया था, इंडिया था भाई, ढूंढा किसने आके, किसने आके ढूंढा, वास्को डी गामा, ठीक है। ये अमेरिका था, किसने ढूंढा, कोलंबस, ढूंढा ना, ऑलरेडी थे, किसी ने ढूंढा, कहां है भाई ये, ठीक है। तो जो इन्होंने किया ना, वो क्या किया, जल्दी बोलो, डिस्कवरी। कोई चीज ऑलरेडी है, उसे ढूंढना, ठीक है, कहीं पे खो रखी है, ढूंढ लिया है, चलो मिल गई हमें, तो हमने उसका क्या किया, डिस्कवरी, ठीक है। ये बताओ मोबाइल कहीं पे पड़े थे क्या जो हम डिस्कवरी करके ले आए, मोबाइल हमने क्या किए, बनाए हैं। अगर बनाए हैं तो इसका मतलब हमें जो मीनिंग चाहिए वो काहे का चाहिए, इन्वेंशन का। क्या बिजली कहीं पे थी, हम उसे बोले आ जाए, हमने ढूंढ लिया तुझे, या हमने बनाई, हमने बनाई। अगर बनाई तो डिस्कवरी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, इन्वेंशन। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इन्वेंशन। आरपी ने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। निशान श्रीवास्तव, यू आर वेरी करेक्ट, बिकॉज कल हमारी क्लास में थोड़ा सा इश्यू था, ठीक है, कल का मतलब प्रीवियस क्लास में, तो मैं बातों को क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और यही है पैसेज आपका जो रिपीट है, अगला पैसेज तो हम पूरा कर ही नहीं पाए थे, तो एक बार हम जल्दी से इनको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ये देखो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई अपना ज्यादा वो नहीं लगा रहे हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ये देखो कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों का ये सही था, और जो आरपी ने बोला है वो बिल्कुल सही है बेटा, डिस्कवरी जो पहले से है उसको खोजना, इन्वेंशन का मतलब है कोई नई चीज खोजना, ठीक है, जो है नहीं, खोजना, ठीक है। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, जल्दी से। द जनरेटर वॉज ऑल्सो नोन एज द डैश, बताओ जल्दी से, जनरेटर का दूसरा नाम, जनरेटर के पास ही बैठा होगा, जनरेटर के पास ही बैठा होगा भाई, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मेहुल सोलंकी, बी, भास्कर दे, बी, आरपी, डायनामो, डायनामो का मतलब बी, ओके। बाकी लोग जल्दी 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 जल्दी। देखो सिर्फ ये समझो पैसेज को पढ़ के और अब क्वेश्चंस को पढ़ के कौन से तरीके से जो पैसेज है वो जल्दी सॉल्व हो रहा है, किसमें है जो हमारा समय बच रहा है, समय की बात है सारी, किसमें समय बच रहा है और किसमें ज्यादा समय लग रहा है, ये देखो। स्नेहा का भी आंसर आ गया है बी, स्नेहा बच्ची का भी आंसर आ चुका है बी, चलिए शुरू करते हैं भाई, ओके। निशांत का भी आंसर आ गया है डायनामो, चलो जल्दी से देखो, डायनामो 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 कहां बैठा है, जनरेटर 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 कहां बैठा है, लास्ट लाइन, प्रैक्टिकल डायनामोज और जनरेटर, दैट्स ऑल, आ गया एक नंबर, आंसर क्या होगा हमारा, डायनामो, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। जल्दी से एक और सिनोनिम आ गया, एक और सिनोनिम आ गया, पढ़ो ये पैसेज में कहां बैठा है, पता
है, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता ना, हम पैसेज से हेल्प लेंगे, पैसेज हमें बताएगा, पैसेज हमें हेल्प करेगा, ठीक है। बस हमारा पूछने का लहजा बढ़िया होना चाहिए, प्यार से पूछेंगे उससे, भाई क्या मीनिंग हो सकता है, थोड़ा सा मस्का वस्का लगा के चलो जल्दी से पूछते हैं। ओके, अभी आंसर आ रहा है, विकास का भी आंसर आ रहा है बी, सुनील का भी आंसर आ रहा है बी। वो क्वेश्चन हो गया बेटा, अब मुझे जल्दी से इसका आंसर दो। एंटीक्यूटी क्या होता है? पैसेज में जाओ, कहाँ बैठा है एंटीक्यूटी, स्कैन करो, स्कैन करो, स्कैन करो, स्कैन, वेयर इज इट, कौन सी लाइन में है, बताओ जल्दी से। फोर्थ, यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ, फोर्थ लाइन में है। निशांत तुम्हें तो मैंने कल पढ़ाया था, ये दिस वर्ड वी हैव डिस्कस्ड इन अवर क्लास। चार पांच जवाब आए हैं, निशांत ए, भास्कर एंसियंट, एंसियंट का मतलब ए, मेहुल सोलंकी ए, सुनील ए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब उन लोगों के लिए कि इसे सॉल्व कैसे करना है जिनको एंटीक्यूटी का मीनिंग नहीं पता, जिनको पता है उनकी बल्ले बल्ले, ठीक है, जिनको पता है कि हाँ भाई एंटीक्यूटी होती है, एंटीक चीज है, एंटीक का मतलब अच्छा कौन सी, नई चीजें, पुरानी चीजें, पुरानी चीजें, पुरानी चीजें हैं तो क्या होगा, एंसियंट, ठीक है। जिनको मीनिंग पता है उनके लिए इज इजी, बट जिनको नहीं पता ना, एक बार पैसेज में चलो, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इन फैक्ट द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंड फेयर बैक इन टू एंटीक्यूटी। बैक का मतलब क्या है, पीछे, बैक का मतलब क्या है भाई, पीछे, और अगर पीछे है तो इसका मतलब मॉडर्न होगा या एंसियंट होगा, बताना जरा जल्दी से। मॉडर्न तो हो नहीं सकता भाई, क्या होगा, एंसियंट होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए, दैट इज एंसियंट, ठीक है। याद करना सिखाती हूं आपको, याद कैसे करना है, ये देखो क्या बैठा है, एंटीक, ठीक है। मान लो हमारे घर में, ठीक है, 5 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये कैसी चीजें हैं बताओ जल्दी से, एंसियंट। अब इनको कहाँ रखा जाएगा, म्यूजियम में, बिकॉज ये कैसी चीजें हैं, एंटीक, ठीक है, म्यूजियम में। ये बताओ किसको रखेंगे, जो चीजें क्या होंगी, पुरानी होंगी, ठीक है। एंटीक का मतलब होता है समथिंग दैट इज एंसियंट, कोई ऐसी चीज जो क्या है, यूनिक है, ठीक है, आजकल नहीं पाई जाती, उसे कहाँ रखेंगे हम, जल्दी बताओ, म्यूजियम में, और म्यूजियम में मॉडर्न चीजें नहीं होती, कौन सी होती हैं, एंसियंट। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बताओ जल्दी से, ए होगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है। आरपी कह रहे हैं ड्रिंक्स का भी नेम है, मुझे नहीं पता कौन सी ड्रिंक्स का नेम है, एंटीक्यूटी, यू मस्ट बी नोइंग, तुम्हें ज्यादा पता है भाई ड्रिंक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा नया पैसेज आ गया, चलो जल्दी से सॉल्व करो भाई इसे, हमारा नया पैसेज आ गया ये। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं एक बार स्लाइड आगे जा रही हूं। चलिए भाई सॉल्व कीजिए इसे जल्दी से। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, डज इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट, ए और बी में से तो कोई एक आंसर होगा, ठीक है, बिकॉज एक के दूसरा क्या है भाई, ऑपोजिट है, ठीक है। हेल्प पॉपुलराइज या हेल्प एस्टैब्लिश,
जो आजकल के तरीके हैं, जो आजकल के हमारे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, टैब हो गया, और भी तुम जानते हो अच्छे से, तो ये जो एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के तरीके हैं, ठीक है, ये क्या हमारे स्ट्रीट थिएटर को, ठीक है, पॉपुलर बना रहे हैं, क्या उसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं? एस्टैब्लिश क्यों करना, वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। मुझे एक बात बताओ ना, जो तमाशे होते हैं, तमाशे समझते हो ना, गांव देहात में होते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रीट प्ले होते रहते हैं, जो जो तमाशे हैं, जो वो कंपटीशन है जो होते आ रहे हैं, उन्हें एस्टैब्लिश करने की तो जरूरत नहीं है। अगर एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब आंसर डी तो नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अब या तो वो पॉपुलराइज करेगा, या डज इफेक्ट करेगा, या डज नॉट इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब जल्दी से चले जाओ भाई हमारे किस में, पैसेज में, और ढूंढो जल्दी से कि कहां पे हमारा यही बात बैठी हुई है। किसकी भाई, जल्दी बताओ, स्ट्रीट थिएटर की, एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन के कौन से मीडियम, मॉडर्न मीडियम। भास्कर दे, यही बात मैं बता चुकी हूं, ठीक, हाँ हम ये पैसेज कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, बट लास्ट क्लास में हमारी थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू थी, बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाए थे, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए थे, तो इसीलिए हमने इसी क्लास को फिर से क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है। और ये तुम्हारा बहुत बड़ा टेस्ट है कि मैं एक बार पढ़ा चुकी हूं, और अगर फिर भी तुम्हारे आंसर गलत होते हैं, फिर आगे नो कमेंट्स, ठीक है, फिर तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से एक बार आगे बढ़ो, और यहां पे मुझे ये बताओ कहां लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट के कौन से तरीके, मॉडर्न तरीके, ढूंढो जरा जल्दी से ढूंढो। देखो स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश, अगर वो एस्टैब्लिश है तो वो उसे एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, अगर वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है तो वो उसे एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं हो सकता वो, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, डेस्पाइट कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, ठीक है, डेस्पाइट द प्लोरिफ्लेशन, प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है, आजकल, ठीक है, एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबके पास क्या है, मोबाइल, सबके पास क्या है, लैपटॉप, ठीक है, इसका मतलब ये जो मॉडर्न तरीके हैं एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के, उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोलिफ्रेशन का मीनिंग क्या होगा, बताओ जल्दी से, ग्रोथ। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होगा भाई, ग्रोथ, ठीक है, एक ऐसी चीज जो क्या होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, ठीक है। हाँ मैं कह रही हूँ ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं थे क्लास में, ठीक है, तभी मैंने उस सेशन को क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है, दोबारा से आ गई हैं बातें, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि तू जो तुम्हारी जो बात रह गई हो, तुम उसे क्या कर सकते हो अभी, और अच्छे से समझ सकते हो, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ चुके हो तो सारे के सारे सवाल तुम्हारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है, एंड आई मीन इट। चलो जल्दी से पढ़ो, डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कॉन्टिन्यूस टू फ्लॉरिश इन इंडिया। एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आजकल चाहे लैपटॉप आ गया हो, ठीक है, चाहे मोबाइल आ गया हो, बट फिर भी हम लोग तमाशे देखना पसंद करते हैं, कौन से हमारे, जो कहां से चले आ रहे हैं, पुराने तरीके चले आ रहे हैं, ठीक है, जो पुराना हमारा क्या है, एंसियंट है, इसका मतलब ये जो मॉडर्न हमारे कम्युनिकेशन के, ठीक है, जो भी माध्यम है, वो स्ट्रीट थिएटर पे कोई भी असर नहीं डाल रहे। अगर कोई भी असर नहीं डाल रहे तो आंसर हमारा क्या होगा, बोलो जल्दी से, डज नॉट इफेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा, डज नॉट इफेक्ट, हमारा सही आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। हमारा सही आंसर क्या होगा भाई, बी फॉर बॉम्बे। क्या क्लियर है, यस और नो, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये जल्दी से बताओ मुझे, कोई ऐसा इसे डाउट हो तो भी बताओ मुझे कि मैम डाउट है, पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो जल्दी से मुझे बताओ, आई विल क्लियर योर डाउट, जल्दी से बताइए भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि बात क्लियर हुई या नहीं हुई हमें। ओके क्लियर है,
एक बच्चे ने बोला क्लियर है, बाकी गुंजन प्रिया बी। गुंजन प्रिया कह रही है, अच्छा ये प्रीवियस का कह रहे हो आप, प्रीवियस का, ओके ओके ठीक है, पिछले सेंटेंस का ये आंसर कह रही है बी, प्रीवियस हो गया बेटा, अभी हमें नया करना है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करो। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, स्ट्रीट थिएटर, विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड, वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वॉज ओपन, वॉज एंटरटेन्ड, जल्दी से। आपके पैराग्राफ में बिल्कुल लिखा हुआ है ये बात, बिल्कुल लिखा हुआ है, जल्दी से सॉल्व होना चाहिए ये, आपको बता रही हूं कहाँ लिखा है। अनलाइक इन द ओल्डन डेज, आपके पैसेज की कौन सी लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर लाइन में लिखा है, जल्दी से मुझे आंसर दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बी फास्ट। स्नेहा बी, वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, वही तो बात है, वही तो बात है। चलो भाई दो सेंटेंस लिखती हूं मैं, आप मुझे उनका मीनिंग बताएंगे, ठीक है। बी बी वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, चलो एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, समझना जरा। पहला सेंटेंस, रवीना कह रही है ए, मेहुल सोलंकी कह रहे हैं ए, देखेंगे किसका सही है। पहले ये दो सेंटेंस लिख रही हूं मैं, आप एक बार इनको पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है, बाहर जा रहा है, इसको घुमा के भी लिखा जा सकता है। चलो मैं इसे घुमाती हूँ थोड़ा सा, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने है दो सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस है, एवरी एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैज फीलिंग्स। दूसरा सेंटेंस है, ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक एवरी एनिमल डू हैव स्पीच फंक्शन, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में ना एक वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड को मैं सर्कल करूंगी। पहले सेंटेंस में क्या है भाई, लाइक बैठा है। दूसरे सेंटेंस में क्या बैठा है, अनलाइक, समझना जरा इसे ध्यान से। मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ हमारे अंदर भावनाएं हैं या एक डॉगी में, एक जानवर में भी होती हैं भावनाएं? तो भाई मेरे अंदर भी है और एक जानवर के अंदर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एनिमल में और इंसानों में, ठीक है, इस लाइक को यूज करके क्या दिखाना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलो बेटा,
सिमिलैरिटी, क्या दिखाना चाह रहे हैं, सिमिलैरिटी, ठीक है, कि हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। और किसके अंदर भावनाएं हैं भाई, एक जानवर के अंदर भी भावनाएं हैं, ठीक है। हम दोनों के बीच में क्या दिखाना चाह रहे हैं बेटा, सिमिलैरिटी। ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है, ध्यान से समझो इसे, आगे बढ़ो। ह्यूमन बींग्स अनलाइक एवरी एनिमल डू हैव स्पीच फंक्शन। मैं बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, क्या एक कुत्ता बोल सकता है, क्या एक बिल्ली बोल सकती है, नहीं ना। उनके अंदर कौन सा फंक्शन नहीं है, जल्दी बताओ, स्पीच फंक्शन नहीं है। मैं इंसान और जानवरों में, ठीक है, क्या दिखाना चाह रही हूं, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी, क्या दिखाना चाह रही हूं भाई, डिसिमिलैरिटी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो अनलाइक है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, और जो लाइक है वो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। अब पढ़ो स्टेटमेंट को और अब मुझे आंसर दो जल्दी से। अब पढ़ो स्टेटमेंट को, मैंने क्लियर कर दिया कि अनलाइक कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और लाइक कैसा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, अनलाइक इन द ओल्डन डेज इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकैलिटीज ऑफ द सिटी। अभी इसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो स्ट्रीट आपका ये वेंचर है, जो आपका स्ट्रीट प्ले है एक तरह से, ठीक है, इसकी आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज नहीं है, अनलाइक बैठा है, इसका मतलब पहले होती थी। बात समझो, अनलाइक बैठा है, अगर लाइक बैठा होता तो पहले भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है, बट अनलाइक बैठा है, इसका मतलब आज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले रिस्ट्रिक्शन थी। अगर पहले रिस्ट्रिक्शन थी तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। मेहुल बिल्कुल सही थे, रवीना बिल्कुल सही थी, करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ए फॉर एप्पल। इन द ओल्डन डे स्ट्रीट थिएटर्स विलेजेस और स्मॉल लोकैलिटीज ऑफ द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड। अगर पूछा गया होता, ठीक है, आज क्या हाल है, तो हम आंसर क्या लगाते, वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। बात समझ में आ रही है, अगर आज की बात पूछी जाती तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट पहले ये रिस्ट्रिक्टेड था। अब बढ़ो जल्दी से आगे, ठीक है, ये देखो तुम ये वीडियो देख चुके हो, फिर भी क्या हाल है तुम्हारा, जल्दी से इस सेंटेंस को सॉल्व कीजिए। स्ट्रीट थिएटर यूजली विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो छोटे मोटे ड्रामा होते हैं, ठीक है, गांव देहात में, वो आम पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनसे दूरी बनाते हैं, उनको डील करते हैं, डील नहीं करते हैं। देखो, या तो आपका सी सही होगा या डी सही होगा, ठीक है, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। आपका ए अलग ही कुछ बात कह रहा है, बी भी कुछ और ही बात कह रहा है, मुझे जल्दी से आंसर बताओ, सी क्या होगा, सॉरी सही क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से। आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूं मैं। मैं आंसर्स का वेट कर रही हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन के आंसर देने का कष्ट करें। गौरव कुमार, जो मैम सुबह में करंट अफेयर्स पढ़ाती हैं, उनका नंबर दो प्लीज। देखो बेटा, फोन नंबर तो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती मैं, ठीक है, फोन नंबर तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बट अगर आपका कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दीजिए, अगर कोई आपकी बात है तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल कन्वे, ठीक है, टू द टीम।
और फिर वो आपकी बात को मैम तक पहुंचा देंगे, ठीक है? आप मुझे बता सकते हैं अगर आपका कोई बात है जो उन तक आपको पहुंचानी है, आपका कोई पॉइंट है, बट नंबर आई कैन नॉट शेयर, नंबर मैं शेयर नहीं कर सकती। ठीक है गौरव कुमार, चलो भाई आंसर आ गया है स्नेहा सी, गुंजन सी, विकास बी, भास्कर सी, मेहुल सोलंकी सी। एक बच्चे का आंसर है बी, ठीक है? अब समझेंगे इसे, ध्यान से देखना, जरा पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखो। वुड स्टेज परफॉर्मेंस, ठीक है, वुड स्टेज परफॉर्मेंसेस टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन और टू हेल्प क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर अ पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है? इसका मतलब भाई ये जो स्ट्रीट थिएटर हैं, ये जो आम जनता के मुद्दे हैं उन्हें डील करते हैं, उनसे दूरी नहीं बनाते। दूरी नहीं बनाते तो कौन गया हमारा? ए गया, ठीक है? हमारा अगर नेगेटिव है तो डी गया। अब बचा कौन भाई? बी, बी और सी। मुझे ये बताओ किसी चीज में डील करना, ठीक है, हमारा ये सोफिस्टिकेटेड आंसर है या परफॉर्म करना सोफिस्टिकेटेड आंसर है? सोफिस्टिकेटेड पूछ रही हूं, ठीक है? हमारा सही आंसर क्या होगा भाई? डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगी। स्टेट थिएटर यूजली इज परफॉर्म्ड विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दूसरा, स्टेट थिएटर डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। विच वन इज मोर सोफिस्टिकेटेड, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? ऑफकोर्स सेकेंड वन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? स्ट्रीट थिएटर डील करता है किसको भाई? उन इश्यूज को जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की, ठीक है, बात करते हैं। चलो ध्यान से समझो भाई, ठीक है? जल्दी से मुझे ये बताओ क्या क्लियर है बात या नहीं है, और जिसको क्लियर है नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व कीजिएगा, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लूं। गौरव कुमार कह रही हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। भास्कर शिवम नॉट मैम, मैम बोलो, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। शिवम गुस्सा क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो शिवम बेटा? उसने आपको कोई गलत बात तो नहीं बोली? ठीक है, पता नहीं हम लोगों का जो दिमाग है वो इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। एग्रेशन दिखाने की जगह दिखाओ, यहाँ नहीं। उस बच्चे ने बिल्कुल आपको सही बात बोली, वो आपको कुछ सिखा रहा है। देखो एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी हमें कुछ सिखा सकता है, बड़े बुजुर्ग भी हमें कुछ सिखा सकते हैं, ग्रह चलता इंसान भी हमें कुछ सिखा सकता है, ठीक है? उन्होंने आपको कुछ गलत नहीं बोला है, आपने वर्ड यूज किया क्या मैम? ठीक है, आप अपनी जगह सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने MEM बोला, बट बेटा एक बात सुनो मेरे ध्यान से, ये मैम वर्ड है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया जहान में। जो करेक्ट वर्ड है वो ये है, ठीक है? या फिर अगर तुम ये भी कह दोगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर क्या कह दो, ये कह दो, बट ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ये वर्ड है ही नहीं पूरी दुनिया जहान में, इस नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। और इतना गुस्सा क्यों खाते हो तुम लोग, कितना गुस्सा आता है तुम लोगों को है? मैं जाटू, मुझे गुस्सा ना आता है, इतना कितना गुस्सा आता है तुम्हें? पागल बच्चे हो, मेडिटेशन किया करो, ध्यान लगाया करो, थोड़ा सा गुस्सा कम आएगा। अच्छा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को सॉल्व कीजिएगा। बी पास्ट, स्टेट थिएटर इज टू स्टेज, क्या स्टेज करता है? नथिंग, कॉस्टली है स्टेट थिएटर, कॉस्टली है। अगर हमें कोई गांव देहात में प्रोग्राम करना है, ठीक है, कोई भी एक नाटक करना है या कुछ भी ऐसा करना है, क्या वो कॉस्टली होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रीजनेबल या अफोर्डेबल, मुझे ये बताइए जल्दी से, रीजनेबल या अफोर्डेबल, मुझे जल्दी से आंसर बताओ भाई, या तो रीजनेबल होगा या फिर क्या होगा? अफोर्डेबल, ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ मुझे। और पैसेज में ही मिलेगा आपको आंसर, पैसेज में ही मिलेगा आपको आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ। आंसर आ रहा है,
गुंजन प्रिया कह रही हैं, डी स्नेहा कह रही हैं, डी भास्कर, डी रवीना, डी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो रीजनेबल और अफोर्डेबल वैसे तो दोनों सिनोनिम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट रीजनेबल थोड़ा सा रीजन को कैरी करता है और अफोर्डेबल सिर्फ किसकी बात करता है, कॉस्ट की। ठीक है, और यहां पे बात हो रही है कि स्ट्रीट थिएटर को स्टेज करना, ठीक है, उसमें कॉस्ट आती है या नहीं आती है। ठीक है, आपका या तो बी होगा या डी होगा, कॉस्टली वो है नहीं, वो कैसा होगा जल्दी बताओ, अफोर्डेबल। वो कैसा होगा भाई, अफोर्डेबल। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर डी होगा या नहीं होगा। 100% आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 100% आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है ना पैसेज में, एक बार ध्यान से पढ़ लेना, इसका आंसर यूं का यूं छपा हुआ है, यूं का यूं छपा हुआ है भाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस बट बाई बींग कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सीबल दे आर मोर पॉपुलर अमंग ऑल एज ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, कॉस्टली नहीं है, अगर कॉस्टली नहीं है तो वो क्या है, अफोर्डेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलो आपकी कमेंट पढ़ लूं मैं। ओके, आप आपसे मुझसे नहीं बोल रहे थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके शिवम गुप्ता, कोई बात नहीं, आप पढ़ो ध्यान से, ठीक, पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। स्नेहा, मैम को गुस्सा नहीं आता, ये भी पूरी तरह वैसे सही स्टेटमेंट नहीं है, गुस्सा नहीं आता, आता है, ठीक है, बट रेयर, रेयर। आप सच में फर्स्ट जाटनी हो जो इतनी कूल है, रवीना भारद्वाज, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। गुस्सा इडियट लोगों का आता है, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इडियट लोगों को नहीं आता। देखो गुस्सा करने का सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया, अपना अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है, आप तेज आवाज करके अपना गुस्सा दिखाओ, वही गुस्सा थोड़ी ना होता है, सिद्धार्थ शुक्ला ही गुस्सा थोड़ी ना करता है। ठीक है, बाकी कंटेस्टेंट भी गुस्सा करते हैं, बट उनकी आवाज कई बार ऊंची होती है तो कई बार क्या, नीची भी रहती है। ठीक है, सिर्फ शुक्ला शुक्ला को गुस्सा थोड़ी ना आता है, गुस्सा तो भाई सबको आता है, गुस्सा सबको आता है, जब एक गलत चीज है तो वो गलत है। ठीक है, और गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, आता है, बट इट्स वेरी रेयर। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन सरकाज्म। ठीक है, सरकाज्म, सरकाज्म। ठीक है, देखो मुझे लगता है लोगों को गुस्से से समझाने की बजाय, मान लो किसी इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, ठीक है, तुम उस पे गुस्सा करो, चिल्लाओ, उसे गाली गलौज करो, ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, उसे आराम से, प्यार से, मोहब्बत से जलील करो, उस तरीके को क्या कहा जाता है, सरकाज्म। क्या कहा जाता है भाई, सरकाज्म। ठीक है, सरकाज्म होता है टोंट, ठीक है, कमेंट, कमेंट। ठीक है, तो एग्रेसिव होके गुस्सा नहीं दिखाया जाता, सरकाज्म इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रहलाद, ये प्रहलाद आज तुम नहीं आए पहली वीडियो में और इसमें भी लेट आए हो, क्लास खत्म होने वाली है हमारी, कहाँ थे तुम, वन क्लास ऑन एडवर्ब, पहले स्पेलिंग सही करो एडवर्ब की। ओके, आई विल ट्राई, ठीक है, मैं आपकी जो बात है इसे नोट कर लेती हूँ, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्लास ले लूँ किसकी, एडवर्ब की। ठीक है, चलो अब तुम्हारे आंसर पढ़ती हूँ। विकास का आंसर है बी स्नेहा, बी गुंजन, डी गुंजन, ए, आंसर चेंज कर दिया तुमने, धोखा। ओके, आरपी कह रहे हैं सी, ऊपर वो शिवम गुप्ता का भी आंसर था, वो स्क्रॉलो के ऊपर चला गया तो मैं पढ़ नहीं पाई बेटा आपका आंसर क्या था। ओके, देख लिया मैंने कमेंट, देख लिया, देख लिया, ठीक है, देख लिया, क्लास किया करो, ठीक है, क्लास ध्यान से किया करो। चलो पढ़ते हैं भाई, स्टेट थिएटर, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। स्टेट थिएटर क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस, ठीक है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोसिक, ठीक है, डायग्नोजिंग, डायग्नोस का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो यही हमारे पास एक वर्ड है आज,
डायग्नोस, डायग्नोस इसी के पीछे पढ़ेंगे हम, डायग्नोस। डायग्नोस ओके, कमेंट देख लिए मैंने, ठीक है, मैंने आपका सॉरी भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलो अब जल्दी से देखो कि ये जो वर्ड है, ठीक है, या तो हमें इसका मीनिंग पता हो, जिसे पता है बल्ले बल्ले, जिसे नहीं पता वो जाएगा भाई पैसेज में, पैसेज में जाओ जल्दी से। कहां लिखा है ये डायग्नोस, कहां लिखा है बताओ जरा जल्दी से मुझे ढूंढ के, कौन सी लाइन में लिखा है डायग्नोस, कहां लिखा है भाई डायग्नोस बताइएगा जरा, पैसेज में ही कहीं मिलेगा हमें। I don't know your class. ए डोंट के बाद नोन नहीं आएगा, डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आती है। बताओ मुझे जल्दी से कहां लिखा है डायग्नोस, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, वेयर इज डायग्नोस, कहीं दिखाई नहीं दे रहा पैसेज में, पैसेज से बाहर ही वो कैब पूछ ली क्या, कौन सी लाइन में बताओ मुझे जल्दी से, कहीं है नहीं मुझे तो पैसेज में, कहीं वर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा। ओके नीचे से सेवेंथ लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सेवेंथ में तो नहीं है भाई, सेवेंथ में कहा है, सेवेंथ में डायलॉग है, ढूंढ के बताओ मुझे कहां है ये वर्ड, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, I'm not able to find out this word in passage. So this is मतलब not used in passage. है तो कहाँ है बताओ, मुझे नहीं मिल रहा, मेरी आंखें कमजोर हो गई क्या, बताओ जल्दी से कहाँ है आंसर, लास्ट सेवेंथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सेवेंथ में डायलॉग बैठा है ये, डायग्नोस कहाँ है इसने, रवीना नहीं है डायग्नोस वर्ड पूरे पैसेज में, नहीं है नहीं है नहीं है पैसेज ही नहीं है, वो डायलॉग है, डायलॉग है वो, ध्यान से देखो, नहीं है रवीना बेटा, नहीं है पैसेज में, ठीक है। अब पैसेज से बाहर से वर्ड आ गया, ठीक है, अब हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, हेल्प नहीं है कि हम इस वर्ड के मीनिंग का कोई हिंट ले सके, ठीक है। अब या तो हमें ये वर्ड आता है या फिर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ के आएंगे, ठीक है। अगर जय माता दी करके आंसर लगाना है तो यू कैन टेक रिस्क, बट आई विल सजेस्ट यू टू इग्नोर या टू अवॉइड या टू लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको कुछ समझाऊंगी मैं, ठीक है। मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, ठीक है, मान लो आपको मलेरिया हो गया, आपको डेंगू हो गया, ठीक है, आपका इधर से बुखार से परेशान है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, डेंगू का एग्जांपल ले रही हूं मैं, आप बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, परेशान है उस चीज से और वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लैब में जाओगे, लैब में जाओगे, अपना क्या देके आओगे भाई, ब्लड सैंपल देके आओगे, ठीक है, उस ब्लड सैंपल को वो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, टेस्ट करेंगे, ठीक है, और उस टेस्ट से वो एक क्या निकालेंगे, जल्दी बोलो, डायग्नोसिस निकालेंगे कि आपको या तो डेंगू है या नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो डायग्नोसिस है इसका मतलब हो गया कि आपके टेस्ट से ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जल्दी बोलो भाई, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई, ठीक है, आवाज की कोई दिक्कत आई, आपने जो लैब में, ठीक है, आपने जो लैब में अपना ब्लड सैंपल दिया, ठीक है, उस ब्लड सैंपल को वो चेक कर रहे हैं उसमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको डेंगू है या नहीं है, इसका मतलब, ठीक है, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, हमारा आंसर क्या होगा भाई, सी फॉर चेन्नई, सही आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, क्या वर्ड होगा बेटा हमारा, आइडेंटिफाइंग, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, एग्जामिन का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कंप्लाइन, कंप्लाइन का मतलब क्या होता है,
ठीक है, कंपाइलर से बना है ये, असेंबलिंग, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, जोड़ना। बट हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, आइडेंटिफाइंग। क्या होगा? आइडेंटिफाइंग, ठीक है, किसी चीज को क्या करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आंसर सी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, ठीक है, जो खुश हो रहे थे, तुम्हारा दिल टूट गया, आंसर सी नहीं होगा, ठीक है, आंसर इज नॉट सी, पहले बता रही हूं, आंसर सी हो जाता, हो जाता, अगर बी नहीं होता तो। ये बताओ, इन्होंने तुम्हारे ब्लड सैंपल को क्या किया, जल्दी बताओ, एग्जामिन किया, तभी तो उसके अंदर या तो डेंगू का वायरस मिला या नहीं मिला। इसका मतलब हमारा इन चारों ऑप्शंस की वजह से सही आंसर क्या होगा, एग्जामिन होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर एग्जामिन नहीं होता तो आंसर क्या होता, आइडेंटिफाई। बात समझ में आ रही है? अगर एग्जामिन नहीं होता तो आंसर क्या होता, आइडेंटिफाई। तो ध्यान से सुन लो, अभी के लिए करेक्ट आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई नहीं है, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, हमने गलती की, ध्यान से देखा नहीं ऑप्शंस को, आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। अगर एग्जामिन नहीं होता तो, अगर बी ऑप्शन नहीं होता तो करेक्ट आंसर क्या होता, सी फॉर चेन्नई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ, क्या ये बात क्लियर है, यस और नो, मुझे जल्दी से आप बताइएगा। डायग्नोस करना उपचार करना होता है, बिल्कुल भी नहीं, ट्रीटमेंट होता है उपचार करना, ठीक है, ट्रीटमेंट होता है प्रियांशु रंजन। डायग्नोस का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी में फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू या कैसे भी। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग हो जाता अगर हमारा एग्जामिनिंग नहीं होता तो, ठीक है, उपचार करना होता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट इज उपचार, ट्रीटमेंट इज उपचार। इसी के साथ हमारा क्या समाप्त हुआ, आज का पैसेज, ठीक है। देखो आज ये जो तुमने 1 घंटा लगाया है, या 1 या 1.25 घंटा जो भी लगाया है, ठीक है, उससे सिर्फ ये सीखो, यस, डायग्नोसिस से पहले जो स्टेज होती है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। देखो सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे एग्जामिन नहीं होता ना तो मैं आंसर किसको लगाती, आइडेंटिफिकेशन को, ठीक है, बिकॉज हम उस वायरस को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है, बट आइडेंटिफाई से बेटर वर्ड है क्या करना, एग्जामिन करना, ठीक है, उससे बेटर वर्ड है वो, ठीक है, बेटर वर्ड इस केस में डायग्नोसिस के मीनिंग में, ठीक है, डायग्नोसिस के मीनिंग में बेटा, ठीक है। अब देखो ये जो आज हमने 1 घंटा लगाया, ठीक है, 1.25 घंटा लगाया, इससे आपको सिर्फ एक शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी पैसेज को पढ़ना नहीं है, ठीक है, कभी भी पैसेज को पढ़ना नहीं है। हमें किसको पढ़ना है भाई, जल्दी से बताओ, क्वेश्चंस को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ के कहाँ जाना है, पैसेज में। नेक्स्ट क्लास में मैं पीक्यूआरएस को फिर से कंटिन्यू करूंगी, पैसेज को फिर से कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज आपका कोई भी ऐसा पेपर नहीं है बेटा जिसमें पीक्यूआरएस ना आता हो, या फिर क्या ना आता हो, आपका पैसेज ना आता हो। तो इनमें हमारे 5 में से 5 नंबर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, बीच बीच में ऐसे ही अपनी ग्रामर की बातें उठाते रहेंगे, जैसे आज मैंने वो टीचर्स वाला बताया था पहली वीडियो में, और अभी अभी मैंने क्या बताया था, लाइक और अनलाइक, ठीक है, और वोकैब तो साथ साथ हमारे 2-4 वर्ड हो ही रहे हैं, तो उस चीज की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, टिल देन अपना ध्यान रखो, ठीक है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बिग बॉस देखते रहो, पढ़ते रहो, और PQRS की खूब सारी एक्सरसाइज करो, ठीक है, PQRS की खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो पॉसिबल कराओ, ठीक है, PQRS सॉल्व कीजिए, पैसेज को सॉल्व करना शुरू कीजिए, बिकॉज आज हमने भी इसे ऑफिशियली क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम फिर से PQRS और पैसेज में एक्यूरेसी बढ़ाने की अपनी 100% कोशिश करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते, सबको नमस्ते, राम राम, सब खुश रहो, ठीक है, सब खुश रहो, आबाद रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, भारत माता का नाम रोशन करते रहो, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।